कुशवाहा और हरदास सिंह चौहान को सैन्य सम्मान के साथ शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि रेस्क्यू के दौरान नाव पलटने से दोनों जवानों की तेज बहाव में बह जाने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोनों ही जवानों को सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ओर जहां ग्राम खरिका में जवान प्रवीण कुशवाहा के पार्थिव देह पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण जनों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, तो वहीं ग्राम किटी में जवान हरदास चौहान के पार्थिव देह पर एसडीएम गोहद पराग जैन सहित ग्रामीण जनों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इसी बीच ग्वालियर से आए एसडीआरएफ कमांडेंट विपु दमन सिंह परिहार ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेस्क्यू के दौरान जवानों की शहादत वाली ये पहली घटना है। ग्रामीणों की जान बचाकर अपनी जान गवा देना निश्चित ही दोनों जवानों की वीरता का परिचय है। दोनों जवानों की शहादत एसडीआरएफ याद रखेगा। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। प्रशासनिक दृष्टि से सभी यहाँ अधिकारी उपस्थित थे, जैसा कि मैंने देखा। मैं भी ग्वालियर से, मुझे यहाँ पर भेजा गया था इनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये प्रशासन ने भी माना है कि इनके द्वारा किया गया कार्य उत्कृष्ट से भी ऊपर है, और एक शहादत कही जाए वो दी गई है। एक रेस्क्यू कार के दौरान जो ये पहली घटना है मध्य प्रदेश में जब से एसडीआरएफ बनी है कि किसी जवान के द्वारा सैक्रिफाइस की हुई, लाइफ सैक्रिफाइस हुई है, तो ये अपने आप में बड़ी अद्वितीय घटना है। इसको डायरेक्टर जनरल महोदय ने भी उत्कृष्ट श्रेणी में रखा है, और उनका भी ये मानना था कि ये घटना हमको प्रेरणा देगी, ये हमको एक सीख देगी कि हमको और अच्छे से और क्या कार्य करना।